साफ साफ बताने के लिए साफ साफ दिखाना जरूरी था माहिर, और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने रूप बदला। और एक बात और, इतने दिनों तक तुम्हारे घर में मैं विक्रांत, तेरा भाई युवराज मर चुका है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, बेला को पता था कि नहीं? यूवी की मौत का, मेरे भाई की मौत का बेला को पता था या नहीं? हाँ, उसे पता था कि ये यूवी नहीं है, कि ये फेक है और यूवी मर चुका है। बेला, बेला को ये सब पता था, वो ये सब जानती थी। बेला का हाथ छोड़ो। आप छोड़िए माहिर जी। बेला, कर्टेंस क्यों बंद कर रही हो? अच्छा कर लो, एक सेकंड मैं लाइट जला देता। नहीं नहीं माही जी, नहीं, लाइट नहीं चाहिए, वो एक्चुअली सर दर्द है। हमेशा तुमने मुझे धोखे में रखा है, कभी मेरी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, हमेशा मुझे खिलौने की तरह। लेकिन अब नहीं, अब मैं ये सब कुछ नहीं सहूंगा। तुमने हमेशा सिर्फ इतना ही चाहा कि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता, बिना सवाल बिना जवाब। बस तुम बोलो वो कहो, रात को रात। हाँ जी बेटा जी, हम नहीं, मैं सच जानना चाहता हूं और मुझे तुम बताओगे। अभी तुम लोग मुझे बताओगे कि सच क्या है, बताओ मुझे। अरे बोल रही है, बोलो ना। ठीक, मैं तुम्हें बताता हूँ सच क्या है। नहीं विक्रांत, तुम इसे कुछ नहीं बताओगे। बोलेगा ये और तुम उसे नहीं रोकोगे। वो सच है, सच है। विक्रांत, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, जो कुछ भी बताएगी बेला ऐसे बताएगी। ये अभी सच बोलेगा। देखो माहिर, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, समझे तुम? कौन है तुम, क्या करेगा तुम? करना माहिर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, पर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे ना लड़ो। बात को समझो, विशाखा बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम्हें कुछ भी जानना है जाकर तो तुम जाकर बेला से पूछ लो। जाओ, समझने की कोशिश कर। तुम घर पे इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते। ये तुम मुझे नहीं बताओगे कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। अब मैं देख लूं, अब बेला मुझे खुद सब कुछ सच बताएगी,
तेरी आंखों में आंखें डालकर वो एक एक बात सच बोलेगी, और नहीं मुंह खोलना चाहते ना तुम लोग अपना, बंद रखो, मैं सच का पता लगा लूंगा खुद। I will, damn it! मैंने कहा था ना तुमसे बेला, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन झूठ नहीं, धोखा नहीं, तुमने वही किया मेरे साथ। तुमने झूठ बोला, मुझे तुमने धोखा दिया बेला, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर दहल आई हो, तुम हो कहां? अरे वाह बेला, कमाल है बेला, हारी हुई जंग पे फिर लड़ने आ चुकी हो तुम, हार नहीं मानोगी? लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी बहन को यहां से कोई जिंदा जाने नहीं देगा, हम गीतों के मुंह से कोई हमारा खाना नहीं छीन सकता। ये मैंने क्या कर दिया? घबराओ मत, मैंने कहा चुप चुप, देखो गिद्धों का ध्यान भटकाती हूँ मैं, तुम फटाफट से गिद्ध का रूप लेके यहाँ से बाहर निकल रहा, तुम अपना रूप बदल सकती हो ना? हाँ, बदल सकती हूँ। तो जल्दी करो, घबराना नहीं है, चुपचाप रूप बदलो, निकलो यहाँ से, मैं संभालती हूँ यहाँ पे। वो तो चलेगी बेला, अब तुम्हारा क्या होगा? ना बेला कहाँ गई है? मोबाइल नहीं बंद हो रहा है मेरा। कहा तुम बेला, कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलो ना। हेलो बेला, हेलो। लगता है इससे गलती से फोन ऑन हो गया, मगर अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, इस कॉल को ट्रेस करके ये तो पता ही चल जाएगा। नॉट एनी मोर, हेलो, आई नीड अ फेवर। ये क्या होगा? देखो जो हो गया उसे भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो, उसे बदला नहीं जा सकता। तो मुझे बस ये बताओ नागमणि कहाँ है? नहीं पता नहीं, तो मेरे हाथ से ले लिया और फिर वो गायब हो गए। कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, सब मेरी वजह से ही हुआ। तो ये नई नागरानी और बेला रानी यहाँ खड़ी है, दोनों को यही खत्म करके दबा देता हूँ। नहीं, कौन हो तुम? जगह दिखाओ अपनी, कौन? छोड़ दो मुझे, किसके कहने पे कर रही हो ये सब?
ठीक नहीं कर रहे हो तुम। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। सामने आओ और अपना चेहरा दिखाओ। जो ही हमें ये मिला और बेला की चूड़ी। मैं भी अपने नाग साथियों के साथ दी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। विशाखा, इन निशानों को ध्यान से देखो। इनमें ये चार निशान लोगों के हैं जो सीधा खड़े हैं, और ये निशान ये घसीटते हुए। ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई घसीटते हुए ले गया है। मतलब दी को घसीट के कोई लेके गया है? जोही तुम घबराओ मत, हम रूही को ढूंढ निकाले। विक्रांत, ये देखो, ये निशान सीधे जा रहे हैं, और हमें पता है कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। जैसे आपने बताया है, उस हिसाब से हवेली में ही ढूंढना चाहिए। क्यों? वैसे हमें अपहरण का मामला नहीं लग रहा, किसी की चाल जरूर है पर अपहरण नहीं। खैर, हवेली साथ जा ही रहा है, साथ जाके देख लें। साथ नहीं, अकेले। आप अकेले जाके देख। भाई, हम वैसे अकेले ही काम करते हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को दिखाने साथ में नहीं आए। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। फेस, आप जाइए, देखिए, बचाइए और सही सलामत घर तक पहुंचा दीजिए। बाकी उसके साथ कैसे डील करना है मैं खुद सोच लूं। अजीब किस्म का प्यार, बहुत प्यार। हमें लगा था आप उस किस्म के इंसान होते हैं ना, प्यार में आग में खुद जान। आग लगी तो है, जलने वाली नहीं, जलाने वाली सही। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अरे, हम पूछ भी नहीं रहे भाई, जितना पैसा उतना काम, इससे आगे हमारा बिजनेस नहीं। हवेली पहुंच गए, हम देख के आते। पैसा तैयार रखना। आप क्या हो रहा है? मुझे कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा? माल करते हो यार, तीन बार खटखटाया, खुलता सिमसिम भी बोल दिया, दरवाजा तोड़ना पड़ा। ठीक है, हाँ, कोई औरत थी। हाँ, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। चलिए, हम पता लगा लेंगे। यहाँ की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन एक लड़ाई बाहर आपकी इंतजार कर रही है, आपके पति। चलिए। आपके पति भी अजीब हैं। आपको बचाने के लिए हमें मुंह मांगी रकम दे रहे थे, लेकिन आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। वो एक्चुअली मत बताइए, वैसे ही हमारे खोपड़े में दसों सवाल घूम रहे हैं। आप बैठ जाइए। अंजना,
मेरी बीवी बेला। अरे हाँ, वो अंदर बैठी हुई है, आप उसको ले जाओ, मुझे दूसरा किस मिल गया। वैसे कौन सा केस मिल गया आपको? अरे तुमको उससे क्या लेना देना है, अपनी बीवी बैठी है ना, ले जाओ। क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे वैसे। क्या? अरे अभी तो बैठा था, वो तो सीट बेल्ट पहन रही थी, मैं आपको फोन करने ही वाला था। नॉट सरप्राइज, मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, झूठ बोल देती है, और बहुत सारे ऐसे रात हैं जो उसने मुझसे छुपाए। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो ऐसा भाग भी गई तो। सबकी बीवी ऐसी होती है, अब एक जैसे। वैसे आपकी क्या कहानी है? मन तो था सुनाने का, लेकिन आप पहले से ही दुखी आत्मा हो, ऊपर से शादीशुदा हो, कभी और सुनाओ, फिर मिलते हैं। तो क्या सोचा है, कैप्टन कर रहे हैं? आपको अभी कैसे बता दें? तो कब बता? किसके कहने पे कर रहे हो तुम ये? और मुझसे क्या चाहते हो? वो जो औरत थी तुम लोग के साथ, औरत का कौन है वो? अरे तुम लोगों से बात कर रही हूँ, कौन है वो औरत? हमें क्या पता, उसने जो हमें बताया। ओए, उसको क्यों बता रहा है? अरे बताने देना, वैसे भी क्या कर लेगी, और जो भी हो मालदार पार्टी है और खतरनाक भी, और उसने इस काम के लिए हमें बहुत मोटी रकम दी है, और साथ में ये भी बताया है कि तुझे काबू में कैसे करना है। हाँ, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि बेलपत्र से औरत काबू में होती है, वरना हम अपने वाले को नहीं कर लेते। बिल्कुल। चलो यार, बहुत घुटन हो रही है, जरा बाहर घूम के आते। नहीं, मुझे खोलो। हाँ चल, छोड़ो, खोलो मुझे। अरी पड़ी रहे। आखिर वो औरत है कौन, क्यों करवा रही है ये सब, और उसे कैसे पता कि हम पे बेल पत्र का ऐसा असर? विक्रांत, विक्रांत ये कैसे हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा विशाखा, हमने पैरों के निशानों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, और हमने हर एक तरकीब का इस्तेमाल कर लिया है, बोले ना तब अब क्या करें? नहीं नहीं नहीं, एक तरकीब अभी भी बाकी है। कौन सी? ताज की चेतना शक्ति, हमने उस जादू का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया विक्रांत। मैं याद है, अगर हम इस ताज को अपने हाथ में रख के नागरानी का ध्यान करेंगे तो ये ताज की शक्ति हमें बता सकती है कि हमारी नागरानी कहाँ है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। बहुत अंधेरा है, इसे किसी ऐसी जगह छुपाया गया जहां पर उस तक पहुंच ही नहीं सकते हम। क्या हमारी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा, माहिर भी चला गया, हम कहां ढूंढे बेला को? कहां आ गई हूं मैं, लगता बहुत दूर निकल आई हूं, रास्ता भटक गई हूं शायद। सही कहा तुमने, वाकई काफी दूर निकल गए, रास्ता भटक गई तुम। धन्यवाद भोलेनाथ। क्या हुआ बेला?
नजरें नहीं मिला पा रही हो? इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आपने मुझे ढूंढ लिया इतने अंधेरे में भी। क्या करूं, तुमने इतने अंधेरे में जो रखा है बेला, आदत हो गई अंधेरे में रहने की, अंधेरे में सब दिखाई देता है। आप इसके जरिए पहुंचे मुझ तक? इसे छोड़ो बेला, पहले अपनी तारीफ तो सुन लो। कमाल की बेशर्मी है तुमने, मेरे साथ धोखा किया, झूठ बोला, मुझे इस्तेमाल किया, मेरे भाई को मार दिया, उसके बाद भी चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। कैसे कर लेते हो बेला? आपको जो इल्जाम मुझ पे लगाने आप लगा दीजिए, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्यों, आज भी तुम्हें पूरा विश्वास है मेरी बेवकूफी पर? मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। नहीं, मुझे इस बात पे विश्वास है कि आप कभी भी एक तरफा बात सुन के अपना डिसीजन नहीं लेंगे। आप दोनों तरफ की बात सुनते हैं फिर फैसला लेते हैं। सुनता हूं, लेकिन किसी खूनी की बात नहीं सुनता। कितना बुरा हुआ है तुम जानती हो? उससे ज्यादा बुरा मेरे साथ हुआ है माहिर जी। आपको याद है वो रात जब आप अपनी हवेली के पास वाली जमीन पर आए थे, जब आपके उस शराबी भाई और उसके दोस्तों ने आपको फोन किया था, आपको याद है? इस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं। आपको वो रात याद है कि नहीं? याद है तो क्या बोला था उन्होंने? क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे? बस एक जानलेवा सांप था, उसी को मारा। कि उन्होंने किसी सांप को मार दिया, यही बोला था ना? हाँ, तो झूठ बोला था, क्योंकि उस रात उन्होंने किसी सांप पे गोली नहीं चलाई बल्कि विक्रांत पे गोली चलाई। क्या? विक्रांत, वो विक्रांत जिससे मैं प्यार करती हूँ, है ना? तुम्हारा पहला प्यार। सुनी मैंने तुम्हारे पहले प्यार की कहानी तुम्हारे पहले प्यार के मुंह से। पर यहाँ पर बात मेरे प्यार की नहीं, उस पे हुए वार की हो रही है। उस रात आपके शराबी भाई और उसके शराबी दोस्तों ने ना सिर्फ विक्रांत पे गोली चलाई बल्कि और उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। आप मुझे बेहया कह रहे हैं? बेहयाई दिखाई आपके भाई और उसके शराबी दोस्तों ने, सबने तमाशा देखा वहां पे। सिर्फ एक बुल्टू और प्रथम थे जो इस सब में शामिल नहीं थे। वो लड़की अनु भी इसमें शामिल थी। एक लड़की होके किसी लड़की का तमाशा देख रही थी। इसी बीच में जब मेरी इज्जत बचाने के लिए विक्रांत आया तो उन्होंने उस पे गोली चला दी और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा है। वो मुझे बाद में पता चला, मेरी पूरी बात सुन। उस पे गोली चली मेरी आंखों के सामने और मुझे लगा मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरी दुनिया, सब कुछ लुट गया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उनको कुछ और लूटना था और वो इस सब में कामयाब हो भी जाते अगर आप वहां वक्त पर ना पहुंचते। आहिर जी, इसलिए सबसे अपना बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। आपसे मिली, आपसे शादी की और फिर आप ही के घर आके उन्हें मार दिया। तुमने खून के बदले खून ले लिया? हाँ किया, क्योंकि मुझ पे जो बीती है वो कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ, तुम सही हो। यानी आप मानते हैं जो मेरे साथ हुआ वो गलत था? जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत है। मैं अपने भाई को और उसके दोस्तों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो नशे की हालत में कुछ भी गलत कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन जो तुमने किया बेला उसके बाद वो सही नहीं था। अगर कुछ गलत हुआ था तो पुलिस के पास जा सकती थी, वो अपनी कार्यवाही करते, तुम अदालत में जा सकती थी, वो अपने तरीके से उस केस को हैंडल करते, तुम मेरे पास आ सकती थी। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं अपने भाई के खिलाफ भी खड़ा होता अगर वो गलत है तो। मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि आप नहीं समझेंगे। जाओ ना मुझे, डैमेट समझा दो मुझे। अरे विक्रांत जब सही सलामत चलता फिरता हमारे सामने आ गया था, चल ही नहीं रहा था, हमारे खिलाफ चाले चल रहा था वो, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं है, तो उसके बाद के अपने खून का खेल खेलती चली गई। क्योंकि वो मेरा पहला प्यार था माहिर जी।
मैं यहाँ पे विक्रांत का साथ नहीं दे, लेकिन उस रात एक गलत फहमी भी हुई थी। जब मैंने मुड़कर देखा विक्रांत पे गोली चलने के बाद तो गन आपके हाथ में थी, इसलिए मुझे लगा कि खूनी मैं हूँ। तुम्हें लगा कि मैंने गोली चलाई और इतने दिनों इतने महीनों से तुम मेरे साथ इसलिए रह रही थी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो शुरू में गलत फहमी थी, लेकिन उसके बाद आपके साथ रहने के बाद, वक्त बिताने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि आप ऐसे इंसान नहीं है, आप किसी की जान नहीं ले सकते। तो जब समझ में आ गया था बेला, उसके बाद तो कम से कम ये समझना चाहिए था ना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों खून की होलियां खेलती गई तुम? उसके बाद तो कम से कम तुम्हें रुक जाना चाहिए था। आप गलत समझ रहे हैं बाहर। समझ तो मैं तुमको आज रहा हूँ बेला, सही। अब मैं जान चुका हूँ कि विक्रांत के वापस लौटने के बाद भी तुमने पुलिस में क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, इसलिए क्योंकि तुम्हें मजा आने लगा था, तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा था ये मर्डर की प्लानिंग प्लॉटिंग करना, मेरी फीलिंग्स का खून करना, तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। मानना पड़ेगा बेला, बाकी को तो तुमने एक झटके में मार दिया, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एक अलग किस्म की मौत चुनी, तड़पा तड़पा के अपने प्यार में फंसा के धीरे धीरे मारना चाहती थी मुझे। मुबारक हो, तुम उसमें भी कामयाब हो गई, क्योंकि अब मैं जी नहीं पाऊंगा और मैं मर भी नहीं पाऊंगा। तो मारना भी नहीं पड़ा, सामने वाला मर भी गया, क्या बात है। नहीं माहिर जी। नहीं बेला, बस और मत ठगो मुझे, जहां पे लोग अपनी सांसों पे विश्वास नहीं करते, अगली सांस का पता नहीं होता, वहां पे अपनी जान से ज्यादा विश्वास किया था तुम पे, लेकिन नहीं, मेरी गलती है बेला। बेला पता है, जब तुम शादी करके घर में आई थी ना, जब तुम खुश नहीं थी ना, तब मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि बेला को मैं किस तरीके से खुश कर दूं, किस तरीके से ऐसा कुछ भी कर दूं कि बस बेला के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किस तरीके से बस तुम ठीक रहो। तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता था, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने बोला दिन तो दिन, तुमने बोला रात तो रात, तुम्हारे लिए ही जीता था बेला, हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने सजाता था, लेकिन तुम हमेशा मेरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश करती थी। ये फर्क है तुमने और मुझे, ये किया तुमने और मैं बेवकूफ हूं मैं बेला, मेरी आंखों के सामने तू मुझे बेवकूफ बना रही थी हर रोज हर पल, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि तू मुझे बेवकूफ बना रही हो। शर्म आती है मुझे खुद पर, कैसे मैं समझ नहीं पाया, और तुमने भी सोचा कि हाँ समझ ही नहीं पाएगा तो पहचान ही नहीं पाएगा तो बेवकूफ है ना। ऐसा नहीं है माहिर जी, मैंने जो भी आपके लिए महसूस किया दिल से, सच्चे दिल से महसूस किया। ऐसा है भी नहीं, माहिर सहगल बेवकूफ नहीं है। तुमने जो भी कुछ बोला है ना, मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा, प्रथम से बुलटू से उस रात की एक एक बात पूछूंगा, और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई निकली ना, तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो, तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती बेला। और अगर बेला शर्मा ये सारी बातें झूठ निकली, तो याद रखना मैं खुद तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन उस सूरत में भी तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो बेला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माहिरजिया मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज माहिरजिया। नहीं, मैं माहिर की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, वो रोड के उस पार चला जाए फिर मैंने देखती हूँ। कहां तक भागेगी तू, अब नहीं बचेगी। देखो तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। पहले ये बता नागमणि कहाँ छुपा है? वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बता दे वरना। वरना क्या? हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे मारना है मार दो, लेकिन नागमणि का पता तुम्हें नहीं मिलेगा। हमें पता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, उसे मारूंगा, उसे जो तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। माहिर को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है? एक है,